हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिकेट बैंस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में कराने जा रहे हैं साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके नेवी एमआर एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। तो शुरू करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश वर्ष इकाई है, तो इसके लिए मिलते हैं आपको 3 सेकंड, उसके बाद में इसका जवाब देंगे। सोचिए इसका क्या आंसर हो सकता है। ऑप्शन ए दूरी की, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्स एक इकाई है, ऑप्शन ए दूरी की। पार्सेक भी इकाई किसके दूरी की है, पार्सेक और प्रकाश वर्ष दोनों ही इकाई हैं, वो दूरी की हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पास्कल इकाई है, ऑप्शन बी दाब की, किसकी है पास्कल इकाई, दाब की है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, अदिश राशि है। इस प्रकार के क्वेश्चन में काफी कंफ्यूजन रहता है। ऑप्शन ए ऊर्जा, इनमें से अदिश राशि कौन सी है, जो नीचे दिखी उनमें से ऊर्जा अदिश राशि है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिनने वाली वस्तुओं की ऑप्शन सी समांतरण होता है, यानी शून्य में स्वतंत्र रूप से गिनने वाली वस्तुओं का समांतरण होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी संवेग संरक्षण के, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है, चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसके द्वारा समझा जाता है, ये किसके द्वारा समझा गया है। ऑप्शन बी न्यूटन का पहला नियम, किसके द्वारा समझाया गया है, न्यूटन के पहले नियम के द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर का वजन ऑप्शन बी ध्रुवों पर अधिकतम होता है, शरीर का वजन कहाँ पर अधिकतम होता है, सबसे अधिक वजन होता है ध्रुवों पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जड़ता आगुण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। ऑप्शन बी टॉर्क, क्या होता है, जड़ता आगुण व कोणीय त्वरण का गुणनफल टॉर्क होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा जब 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है। ऑप्शन सी आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, क्या होगा, 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाएगा तो क्या होगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा शायद, क्या पानी का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ऑप्शन बी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, ऑप्शन ए 1/9, कितना भाग रहता है, 1/9। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है, ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, किसके द्वारा होता है, नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, ऑप्शन बी चौगुनी हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, के बराबर होती है हमारी 1/2 mv², गति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv² होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है,
ऑप्शन ए अपकेंद्री बल, कौन सा बल लगता है दूध से क्रीम निकालने में, अपकेंद्री बल लगता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लोलक की काला विधि निर्भर करती है, लोलक की काला विधि किस पर निर्भर करती है, टाइम पीरियड किस पर निर्भर करता है लोलक का। ऑप्शन बी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, लोलक की टाइम पीरियड किस पर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल, ऑप्शन बी 2% बढ़ जाएगा। जब किसी सरल लोलक की लंबाई को 4% बढ़ा दिया जाएगा तो उसका आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा श्यानता की इकाई है, ऑप्शन ए पॉइज, क्या है श्यानता की इकाई, पॉइज है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, ऑप्शन बी अनदर, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, अनदर होती है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।